मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो, इनकी प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी 7 एकड़ ज़मीन जो है अटैच कर लिया है, 400 करोड़ से ज़्यादा की ये संपत्ति है अटैच किया है, क्या कहेंगे सर? ये तो अब उनको जवाब देना होगा कि 400 करोड़ की संपत्ति कहाँ से उनके या उनके भतीजे के पास आई, कोई रोज़गार भी नहीं, कोई व्यवसाय भी नहीं है, तो इसका हिसाब देगा। और निश्चित तौर से जो आज कोई जांच एजेंसी है वो कानून सम्मत अपना काम कर रही है, निष्पक्ष काम कर रही है, लेकिन इस तरह से अगर आय से अधिक संपत्ति किसी के पास होगी तो उसका कहां से ये कमाई आई और किस तरह से, इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन सर, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अगर कोई भी केंद्रीय एजेंसी कुछ अगर काम करती है तो यह आरोप लगता है कि सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। तो आपके हिसाब से मायावती दूध की धुली हुई है? मायावती की कमाई किस तरह से है? और अगर 400 करोड़ की संपत्ति अटैच कर रही है तो 400 करोड़ की संपत्ति अगर उनकी है तो क्या उस पर उनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा? वो आय से अधिक संपत्ति नहीं, किस आय से उन्होंने इसको खरीदी है? तो इस पर कोई कार्रवाई ना हो। अगर इस पर अगर एजेंसीज अपनी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही हैं तो इस पर अगर वो ये कहें कि ये विपक्ष के नाते हो रहा है तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपना उसका जवाब देना चाहिए और उनको अपना देश के सामने भी ये 400 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से, इसका हिसाब देना चाहिए।